please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद यूपी कोका बिल सदन में पास हो गया। हमारी सरकार किसी भी स्थिति में इसका दुरुपयोग नहीं होने देगी। लखनऊ में सीएम आवास के घर के बाहर सेल्फी बैन होने पर पूर्व सीएम अखिलेश ने ट्वीट करके तंज कसा। वाराणसी में 3.5 किलो सोने के बिस्किट और 21 लाख नकद के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़की ने पड़ोस में रहने वाले लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। यूपी के मैनपुरी में प्रधान पर एक परिवार को जबरन पलायन को मजबूर करने का आरोप लगा है। यूपी के बरेली में नाबालिग रेप पीड़िता और उसके चचेरे भाई को बदमाशों ने गोली मार दी। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़ित महिला को 3 तलाक देकर उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया। यूपी के फरुखाबाद में छेड़खानी से तंग आकर एक दिव्यांग लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया। यूपी के जौनपुर में एक लड़के ने प्रेमिका से नाराज होकर बीच सड़क में खुदकुशी की कोशिश की। यूपी के आगरा में एक बाइक सवार की खंभे से टकराकर हुई मौत का सीसीटीवी सामने आया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक मोबाइल शोरूम से लाखों की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के रायबरेली में एक भटका हुआ भिखारी आधार कार्ड की जांच के बाद करोड़पति निकला। उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों की 16 सदस्यीय टीम को 10 दिन से लापता 3 चरवाहों के शव मिले। यूपी के मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के बांदा में नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाने का मामला सामने आया है। यूपी में झांसी इलाहाबाद मार्ग पर कार सवार कुछ लोग नवजात का शव सड़क पर फेंक कर भाग गए। यूपी के हरदोई में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम रेप पीड़िता के पति की हत्या कर दी। इलाहाबाद में एक पूंछ वाले बच्चे को लोग हनुमान का अवतार मानकर देखने आ रहे हैं। नोएडा के निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। यूपी के मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी का पुतला फूंका। अयोध्या में रामलला के 69वें प्रकटोत्सव में पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यूपी के उन्नाव में सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो डालने पर 2 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के संभल में आवारा कुत्तों के एक ही दिन में करीब 40 लोगों को काटने से दहशत फैल गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 25 लाख की विदेशी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए। मध्य प्रदेश के हरदा में एक नया कॉलेज बनाने की मांग को लेकर छात्रों ने 35 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेंदुओं के 2 शावकों के मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। दिल्ली के नरेला में एक एसएचओ नशा कारोबारी की शिकायत करने वालों को ही धमकाता पाया गया। दिल्ली के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में छापे के 3रे दिन करीब 41 लड़कियां छुड़ाई गईं। टोटल 200 महिलाएं थी जिनमें से 41 माइनर्स को हमने अभी आज रेस्क्यू कराया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण के आपातकालीन हालात पर आगाह किया। हरियाणा के फतेहाबाद में दामाद पर हमला करते हुए ससुराल वाले सीसीटीवी में कैद हो गए। हरियाणा के सिरसा में आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार सड़क के कुत्ते का इलाज करवाते नजर आए। सोनीपत में कैंसर को मात देकर बॉडी बिल्डर बना दिव्यांग मोहित युवाओं के लिए प्रेरणा बना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। पंजाब के फालिस्का में पाकिस्तान बॉर्डर पर रातों रात 150 फीट ऊंचा टावर खड़ा किया गया। दिल्ली के विवेक विहार में रोडरेज में एक कार चालक ने दूसरे कार चालक पर कार चढ़ा दी। छात्रों के विरोध के बाद अब जेएनयू में पीएचडी और एमफिल के अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर एमसीडी में उनके पार्षदों को धमकाने का आरोप लगाया।
पूरे हरियाणा में भूकंप आने की स्थिति में लोगों को बचाने को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अगवा लड़की के परिवार ने एसएसपी के सामने खुदकुशी की कोशिश की। बिहार के पूर्वी चंपारण में बेखौफ बदमाश 5 लाख के मोबाइल लूटकर फरार हो गए। झारखंड के रांची में पुलिस ने लोगों को सेंटा क्लॉज की मदद से यातायात नियम समझाए। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के बंद के दौरान जाम में फंसकर एक महिला मरीज की मौत हो गई। बिहार में नक्सल प्रभावित अरवल से एरिया कमांडर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। बिहार के कैमूर पहाड़ी के जंगल में जंगली हाथी ने एक पुलिस हवलदार की जान ले ली। बिहार के बेगूसराय में 1,134 लीटर जब्त शराब को आबकारी अधिकारियों ने नष्ट करवाया। बिहार के बाढ़ में लोगों की आंखों में मिर्च डालकर लूटपाट करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूपी में निवेशकों को लुभाने के लिए सीएम योगी आज मुंबई में एक रोड शो करेंगे। गुजरात में 99 सीट जीतने वाली बीजेपी का आंकड़ा एक निर्दलीय के समर्थन के बाद 100 पर पहुंचा। गुजरात के गांधीनगर में पर्यवेक्षक जेटली और सरोज पांडे आज बीजेपी विधायक दल की बैठक करेंगे। गुजरात के पोरबंदर में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपी एनसीपी विधायक कांधल जाडेजा गिरफ्तार। अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी ने राज्यपाल ओपी कोहली को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नए नियम के मुताबिक महिलाओं को अब मुंबई लोकल में लाइन लगाकर चढ़ना होगा। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई में साल 2011 तक की झोपड़पट्टियों को वैध कर सकती है। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने मुंबई में गरीब बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। मुंबई में ओलंपिक पदक विजेता हेलन और मरवा ने रेसलिंग का मुकाबला हुआ। 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे अन्ना हजारे आज किसानों से मुलाकात करेंगे।